नमस्कार, जोहार, अदाब। क्लीन न्यूज संथाल परगना में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर संपूर्ण संथाल परगना से। संथाल परगना के सभी छोटे बड़े खबरों से आप रूबरू होंगे। कृषि ऋण माफी को लेकर एक बड़ी खबर। क्रिसमस से पहले झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, 50,000 तक के कृषि ऋण माफ। इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ, जानिए वो कौन लोग हैं। झारखंड के किसानों के लिए क्रिसमस से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने की सरकार ने घोषणा कर दी है। बुधवार को कृषि ऋण माफी योजना के तहत सरकार ने 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की है। ऋण माफी की यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, इसमें कोई पदाधिकारी शामिल नहीं होगा। खास बात यह है कि एनपीए खाताधारी किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर उन्हें यह लाभ लेना है तो उन्हें अपने खातों को स्टैंडर्ड कराना होगा। सरकार का कहना है कि वह चाहती है कि ऋण माफी योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले। इसके लिए राज्य के करीब 12.93 लाख किसानों को चिन्हित किया गया है। इनमें से करीब 9 लाख अकाउंट स्टैंडर्ड मिले हैं। यह खाताधारी किसान फिलहाल कृषि ऋण पाने के हकदार होंगे। गोड्डा में बढ़ गई ठंड, पारा 7.35 डिग्री तक जा पहुंचा। गोड्डा में अचानक पारा लुढ़का और ठंड बढ़ गई। बुधवार को पारा गिरकर 7.35 डिग्री तक पहुंचा। शीतलहर चलने लगी और जनजीवन अव्यस्त हो गया। शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक गए, बाजार में सन्नाटा छा गया। जिले की 15 लाख आबादी ठिठुरने लगी। पुलिस पर पथराव में आरोपित गिरफ्तार। पथरगावा पुलिस पर पथराव मामले में पथरगावा की पुलिस ने वरण गांव की निवासी एक आरोपित गोपाल मंडल के पुत्र रुकमा मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अन्य की तलाश जारी है। गोड्डा क्रिकेट से भारत भारती को हराकर नवप्रभात पहुंचा सुपर थ्री में। जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित रितेश मेमोरियल स्कूल लीग प्रतियोगिता में बुधवार को नवप्रभात मिशन स्कूल ने रोमांचक मुकाबले में भारत भारती की टीम को 2 विकेट से पराजित कर दिया। इसके साथ ही नवप्रभात मिशन सुपर थ्री में पहुंच गया। अब दुमका से सजा याप्ता बंदियों के 3 बच्चों को मिला बाल गृह में आश्रय। दुमका के केंद्रीय कारा में सजायाप्त बंदियों के 3 बच्चों की देखभाल अब दुमका के बाल गृह में होगी। बुधवार को 3 बच्चों को बाल गृह में रखने की व्यवस्था तय की गई है। उपायुक्त राजेश्वरी बी के निर्देश पर यह पहल बाल कल्याण समिति के माध्यम से की गई। बाल गृह में इन बच्चों को रख रखा उन्हें न सिर्फ मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा बल्कि उनके समग्र विकास को लेकर भी प्रयास किया जाएगा। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, सिर्फ शिबू सोरेन की अलग राज्य के अगुवा नहीं है। दुमका के भाजपा कार्यालय में बुधवार को आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झामुमो आदिवासियों का सबसे बड़ा शोषक है। आदिवासियों का वोट लेकर उनके अधिकारों को इस दल ने नेता लूट रहे हैं। कहा कि झामुमो ने आदिवासियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। सत्ता में आने के बाद झामुमो आदिवासियों के दुख दर्द को भूलकर अपनी तिजोरी भरने में लगता है। कांग्रेस महिला मोर्चा को सशक्त बनाने की कवायद तेज। दुमका जिले में कांग्रेस को सांगठनिक तौर पर मजबूत बनाने की वकायद लगातार तेज हो रही है। दुमका नगर कमेटी के सांगठनिक विस्तार के बाद अब महिला मोर्चा को सशक्त बनाने के लिए बुधवार को जिले में दुमका नगर समेत 3 प्रखंडों में महिला प्रखंड अध्यक्षों का मनोनयन किया गया। देवघर से देवघर में 25 मोबाइल, 1.5 लाख की नकदी के साथ 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में पुलिस ने बुधवार को विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर बैंक खाता और फर्जी एटीएम कार्ड के जरिए धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने इनके पास से 25 मोबाइल, 34 सिम कार्ड, 15 एटीएम, 16 पासबुक, 1 चेकबुक, 2 लैपटॉप, 2 मोटरसाइकिल और 2 कार के साथ 1,61,000 रुपए बरामद किया। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आज तड़के गुप्त सूचना के आधार पर सारवा थाना क्षेत्र में ग्राम बागमारी ललुआडी, पथरोल थाना क्षेत्र के संथाली सिमरा, मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के चेतनारी, मधुपुर थाना क्षेत्र के रूपावाली में से 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
मातृ मंदिर बालिका उच्च विद्यालय में शुरू होगी सीबीएसई की पढ़ाई। हेमंत सोरेन सरकार ने एक साल पूरा होने पर सुशिक्षित समाज की दिशा में एक ठोस पहल की जा रही है। सूबे के 80 स्कूलों को आदर्श स्कूल बताते हुए वहां सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इसके लिए सरकार सभी सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता दिलाएगी। देवघर के 3 स्कूल का चयन किया गया है, आरएल सर्राफ उच्च विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय देवघर और मातृ मंदिर बालिका उच्च विद्यालय सूचीबद्ध किया गया है। पुलिस कर्मियों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप। बरसिनी गांव निवासी सकीना बीबी ने आरोप लगाया है कि गिरिडीह जिले के गांडे थाना की पुलिस टीम ने मंगलवार की रात उनके घर के अंदर छापेमारी करने के बहाने घुसी और घर के लोगों के साथ इस दौरान मारपीट की गई। इस सिलसिले में पीड़ित ने मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत की है। आवेदन में कहा गया है कि गांडे थाना की पुलिस टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी हरीश कुमार कर रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने शकीला बानो, मरियम बीबी, सबरा खातून, अबुल हसन आदि के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान ये लोग घायल हो गए। खबर अब जामताड़ा से। 22 दीदियों को दिया गया बैंक मित्र का प्रशिक्षण। भारतीय स्टेट बैंक आरसेटी जामताड़ा के तत्वावधान जेएलपीएस द्वारा चयनित 20 दीदियों का 6 दिवसीय बैंक मित्र प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र में दिया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि एके सिन्हा, मुख्य प्रबंधक एसबीआई क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय देवघर, सोनाली लायक वाईसी एफआई, निखिल मंडल वाईसी नन फारेन, बाबुल मरंडी निदेशक आरसीटी जामताड़ा द्वारा विधिवत दीप प्रज्वलित कर दिया। आदिवासी गांव फुदगाही में पानी, बिजली और सड़क की समस्या। नारायणपुर प्रखंड की दिघारी पंचायत के फुदगाही गांव में व्याप्त समस्याओं की सूचना मिलने के बाद बुधवार को प्रशासनिक टीम गांव पहुंची और वहां पर व्याप्त समस्याओं का अवलोकन किया। प्रशासनिक टीम का नेतृत्व प्रखंड विकास पदाधिकारी महेश्वरी प्रसाद यादव कर रहे थे। गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों के से समस्याओं की जानकारी ली। मूलभूत सुविधाओं के लिए यहां के लोग संघर्ष करते हैं। पर अब पाकुड़ से। किसान दिवस के शुभ उपलक्ष पर लिट्टीपाड़ा में किसानों को किया गया सम्मानित। खबर पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा से है। भारतीय स्टेट बैंक की लिट्टीपाड़ा शाखा में बुधवार को किसान दिवस पर किसानों को सम्मानित किया गया। मुख्य प्रबंधक डीएसएच रामसुंदर पांडे ने कहा कि बैंक आम लोगों के लिए है। सरकार बैंक के माध्यम से किसानों और महिलाओं एसएचजी समूह के लिए विभिन्न प्रकार का ऋण बहुत कम ब्याज पर दे रही है। केसीसी के वैसे खाताधारी जो ऋण नहीं जमा कर पा रहे हैं उन्हें 90% छूट दी जा रही है। ऋण जमा करने के बाद पुनः केसीसी ऋण मिलेगा। महिला ग्रुप को अब 3 वर्ष की अवधि में ही ऋण दिया जाएगा। 9 क्रशर सील बिना चालान के 6 वाहन जब्त। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की टीम ने बुधवार की शाम माल पहाड़ी खनन क्षेत्र के सुंदर पहाड़ी में अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। यहां बिना सीटीओ व आवश्यक कागजात के 9 क्रशर को सील कर दिया गया। साथ ही एक ट्रक व 3 हाईवा सहित कुछ 6 वाहनों को जब्त किया गया। 5 वाहन में बिना परिवहन चालान के गिट्टी लोड था। छापेमारी टीम में एसडीओ प्रभात कुमार, जिला खनन पदाधिकारी उत्तम कुमार विश्वास, अंचलाधिकारी आलोक वरन केसरी, पुलिस पदाधिकारी व बाहर से पहुंचे पर्यावरण अधिकारी शामिल थे। डीडीसी चुनाव में भाजपा का परचम, कार्यकर्ताओं में उत्साह। पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में परचम लहराते हुए भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इस चुनाव में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ मजबूत हुई है। वे अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी ताकत पाकिस्तानी की छत पर उपद्रव कर रहे थे, इससे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास टूट रहा था। वहां की जनता चाहती थी कि नव निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से क्षेत्र का विकास हो और समाज आगे चले। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।